एक बार की बात है, जब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्ति की यात्रा शुरू की तो उन्होंने महसूस किया कि सांसारिक सुखों और भौतिक समृद्धियों में स्थायी सुख नहीं मिल सकता। उन्होंने इन सभी भौतिक सुखों को त्याग कर एक साधारण और तपस्वी जीवन जीने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने यह निर्णय लिया कि वे जीवन की वास्तविकता को समझने और दुखों से मुक्ति पाने के लिए गहन साधना और ध्यान की ओर बढ़ेंगे। एक दिन जब सिद्धार्थ ध्यान की गहन स्थिति में थे, उनके मन में एक सपना आया। इस सपने में वे एक सुंदर महल में थे जहां सब कुछ आनंदमय और सुखद था। अचानक सपना बदल गया और वह एक अंधेरे और डरावने जंगल में खो गए। उन्होंने इस परिवर्तन से समझा कि सांसारिक सुख केवल अस्थाई और भ्रमित करने वाले होते हैं और स्थायी सुख की खोज एक गहरी आत्मा की यात्रा है। सपने के इस अनुभव ने सिद्धार्थ को यह सीखने में मदद की कि बाहरी सुखों की जगह आंतरिक शांति और आत्मज्ञान ही वास्तविक सुख प्रदान करते हैं। उन्होंने समझा कि सांसारिक वस्तुओं और भौतिक सुखों से मनुष्य की आत्मा की सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार सिद्धार्थ ने अपने जीवन को साधना, ध्यान और आत्मज्ञान की ओर मोड़ दिया। उन्होंने अपने अंतर्दृष्टि और ज्ञान से कई लोगों को यह सिखाया कि सच्चा सुख और शांति भीतर से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने ध्यान, सही आचरण और मध्य मार्ग की शिक्षा दी, जो कि आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी संसार की भौतिक चीजें अस्थायी हैं और सच्ची शांति और सुख का अनुभव केवल आत्मज्ञान और सही साधना से ही संभव है।